तो हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि है कढ़ाई पनीर की रेसिपी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाना सिखाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों से, जो आपकी हर किचन में हर घर में मिलने वाले मसाले होते हैं उनसे बनाएंगे आज हम कढ़ाई पनीर बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार आप घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, कभी भी आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो झटपट से ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। तो चलिए 250 ग्राम पनीर के साथ हमने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 5 से 7 हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पे हमने तड़के के लिए लिए हैं लाल मिर्च और साथ में लिए हैं हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही लेंगे हम दालचीनी के कुछ दाने। तो चलिए लिए हैं हमने मसाले, यहाँ पे लिए हैं हमने हल्दी, किचन किंग, अमचूर और साथ में लिया है हमने यहाँ पे कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो सभी मसाले हमने ले लिए हैं, तो हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करा है। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं। प्याज को इस तरह से हमने काट लेना है, तो दोनों साइड से काट करके प्याज को हमने छिल लेना है। सबसे पहले हमने 2 प्याज को छिल लेना है। तो चलिए हम प्याज को छिल लेते हैं और इसको लंबा लंबा काटना है। तो चलिए ये हमारा प्याज छिल गया है, तो इस तरह से हमने दोनों प्याजों को छिल लेना है। तो चलिए इसको अब हम काटते हैं, इसको हमने छोटा छोटा नहीं काटना, बिल्कुल लंबा लंबा काटेंगे। देखिए इस तरह से हमने काटना है इसको दोस्तों, क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, तो कढ़ाई पनीर में हमें लंबे लंबे और मोटे मोटे प्याज की ही ज़रूरत पड़ती है। इसे बिल्कुल ग्राइंड नहीं करेंगे, ना ही बिल्कुल बारीक करेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से हमें लंबे लंबे इसे काट लेना है। तो चलिए हमने काट लिए हैं, तो अब हम डालेंगे पानी और इसे अच्छे से धो लेंगे। 1 से 2 बार इसे अच्छे से धो लेना है दोस्तों, क्योंकि प्याजों में कड़वापन भी होता है और मिट्टी भी होती है। तो चलिए इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई और उसमें लिया हमने 1 बड़ा टेबल स्पून तेल का। हम यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप सरसों के तेल पे भी बना सकते हैं। और लिया है हमने 1 क्यूब यहाँ पे बटर का। तो हम दोनों मिक्स करके बनाएंगे, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, देसी घी के अंदर भी बना सकते हैं। तो चलिए गर्म हो गया, तो इसमें हमने दालचीनी के कुछ दाने डाले हैं और डाले हैं 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए यहाँ पे हमने 1 से 2 हरी मिर्च डाल लेंगे। तो चलिए इसे करते हैं मिक्स, इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने जो कटा हुआ प्याज लिया था वो कटा हुआ प्याज को इसमें डाल लेंगे और फिर से चलाएंगे हम इसे। तो ये सुनहरा होने तक इसे अच्छे से भूनेंगे हम। तो देखिए इस तरह से हमें भूनना है इसको जब तक कि लाल नहीं होता। तो दोस्तों ये ढाबा स्टाइल बना रहे हैं पनीर, कढ़ाई पनीर ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट लिया था उसको भी हम डाल लेंगे। लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मैंने यहाँ पर पेस्ट डाला है। अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत भी काट के या ग्रेट करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 मोटे कटे हुए टमाटर लिए हैं, उन्हें भी हमने बारीक ना काट कर मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो कढ़ाई पनीर में हमें ज़्यादा छोटे पीस नहीं चाहिए। अभी हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे तो मोटा मोटा ही डालेंगे। तो चलिए इसे दोनों को अच्छे से करते हैं मिक्स और लाल होने तक बिल्कुल भून लेने। तो चलिए इस पेज में हम डालेंगे सारे मसाले, जो हमने सभी मसाले निकाल के रखे थे सभी मसालों को हम डाल लेंगे इसमें। तो ये बहुत ही कम मसालों में दोस्तों बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो चलिए थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और चलिए इसको भूनेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। दोस्तों कढ़ाई पनीर बनाना बहुत ही आसान है, कम ही झंझट में बनता है, क्योंकि इसमें कोई पीसने का झंझट नहीं होता। तो चलिए इसे तेल छोड़ने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और आँच हमने मीडियम स्लो ही रखी है और हम इसे ढकेंगे नहीं, ये बिना ढके ही पक जाएगा सारा। तो चलिए देखिए तेल हमारा छोड़ने लगा है मसाला, तो इसकी भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है इस स्टेज पे। तो चलिए अच्छे से भून लेंगे हम इसे।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम डालेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च और एक कटा हुआ प्याज, क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर में शिमला मिर्च तो ज़रूरी डलती है, तो हमने इसे पहले नहीं डाला। पहले हम प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को हमें मैशी नहीं कर। तो चलिए शिमला मिर्च डालकर भी अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए यहाँ पर डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर एक सौंफ का। सौंफ बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। तो चलिए इसको अच्छे से भूनेंगे दोस्तों, इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल इसका रिलीज नहीं हो जाता। तो चलिए तेल हमारा छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ पनीर। दोस्तों पनीर को बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को, और पनीर को भी हल्का हल्का फ्राई करेंगे इसके साथ। चलिए इस तरह से हमें तो पनीर को भी अच्छे से भूनकर मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पकाएंगे इसे 5 से 7 मिनट। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये, और ये 5 से 7 मिनट बाद बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत कम समय लेता है, कढ़ाई पनीर है तो लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इसे सर्व, बनकर हो गया है रेडी। दोस्तों ये रेसिपी आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए तैयार हो गया हमारा कढ़ाई पनीर। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।